एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें फिबोनाची सीरीज को हम प्रिंट करेंगे। तो फिबोनाची सीरीज क्या होता है कि इसका जो नेक्स्ट टर्म होता है, पहले के जो दो टर्म होते हैं उनका एडिशन होता है, और इसका जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो टर्म होता है वो जीरो एंड वन होता है। जैसे यहाँ पे जीरो है वन है, तो इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा। तो दोनों का एडिशन वन हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन टू हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन थ्री, इन दोनों का फाइव, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो यही फिबोनाची सीरीज है, तो इसी के लिए हम प्रोग्राम लिखेंगे। तो इसको बताने के लिए मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि इसका लॉजिक क्या है, कि इसमें कौन सा पैटर्न है जिसको आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हो, क्योंकि प्रोग्राम तो आपको कहीं से मिल जाएगा, लेकिन उसका जो लॉजिक है वो समझना बेहद ज़रूरी होता है। क्योंकि वो अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आपको किसी भी प्रोग्राम से हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से प्रोग्राम अपना लॉजिक बिल्ड करके राइट कर सकते हो। उसके बाद कंप्लीट प्रोग्राम यहाँ पे मैं लिख दूंगा, उसको ड्राई रन करके दिखाऊंगा कि कैसे ये नंबर फॉर्म हो रहा है। तो इससे आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि नंबर जो है ये कैसे फॉर्म हो रहा है। और उसके बाद जो होगा, जो प्रोग्राम यहाँ पे मैं लिखूंगा, उस सेम प्रोग्राम को अपने कंप्यूटर पे मैं रन करूंगा और उसका आउटपुट आपको दिखाऊंगा। तो जो लॉजिक वो ये है कि जैसे सपोज एक फर्स्ट टर्म है और एक सेकेंड टर्म है, और उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट टर्म होगा। तो जो फर्स्ट टर्म है इसमें क्या है, जीरो है, सेकेंड में क्या है, वन है, ये हमें पहले से पता है। ओके, तो नेक्स्ट टर्म हम कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों का एडिशन कर देंगे। ओके, तो इन दोनों का एडिशन हमने किया तो कितना हो गया, वन हो गया। अब क्या करना है कि ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ना, इसको हम अपडेट कर देंगे नेक्स्ट वाले से, यानी कि वन कर दिया हमने, ये वाली वैल्यू इसमें स्टोर कर दी। और उसके बाद जो सेकेंड वाली वैल्यू, इसको हम स्टोर कर देंगे इधर वाले से, यानी कि अपडेट कर देंगे, तो वन हो जाएगा। और अब जो नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन प्लस वन यानी कि टू हो जाएगा। तो ये आप देखोगे कि पहले जीरो वन तो हम प्रिंट करेंगे, मतलब ये आएगा, और उसके बाद जो हमारा ये ऐसे फॉर्म होने लगेगा। ओके, तो अब क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट है इसको अपडेट कर दिया हमने सेकेंड वाले से, और सेकेंड वाले को अपडेट कर दिया इसके नेक्स्ट वाले से, और इन दोनों का जब हम एडिशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो कि ऐसे नंबर फॉर्म हो रहा है कि जीरो वन देन वन देन टू देन थ्री देन फाइव होता रहेगा। तो अब मैं इसको प्रोग्राम लिखता हूँ यहाँ पे और फिर उसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड stdio डॉट h देन मेन इंटीजर फर्स्ट इज इक्वल टू जीरो सेकेंड इज इक्वल टू वन नेक्स्ट n i printf एंटर द वैल्यू ऑफ n scanf परसेंट d एंड n for i is equal to 1, i less than equal to n, i plus plus, and print f percent d first, next, first plus second, first is equal to second, and second is equal to next. ये complete program मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट में जीरो, सेकंड में वन, ये जो दोनों टर्म है फिबोनाची सीरीज के पहले दो टर्म है। और उसके बाद नेक्स्ट एक मैंने तीसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें हम एडिशन करेंगे, और एन हमने यूजर से इनपुट लेने के लिए ले लिया है, और आई हमने लूप में यूज़ करने के लिए लिया। यहाँ प्रिंट एंटर द वैल्यू ऑफ एन, तो जितने टर्म प्रिंट करने हैं तो यहाँ पे एन में आएगा और स्टोर हो जाएगा एन में। उसके बाद यहाँ पे मैं लूप यूज़ कर रहा हूँ, फॉर लूप, यानी कि आई इज इक्वल टू वन, आई लेस देन इक्वल टू एन, आई प्लस प्लस, तो यानी कि जितने टर्म चाहिए उतनी बार ये लूप चलेगा और ये एग्जीक्यूट होगा। फॉर लूप के इनसाइड में मैंने यहाँ पे फर्स्ट पहले प्रिंट कर दे रहा हूँ, जो भी वैल्यू फर्स्ट में वो प्रिंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट में मैं फर्स्ट और सेकेंड, जो अभी मैंने बताया फर्स्ट और सेकेंड का वैल्यू कैलकुलेट करके नेक्स्ट में अपडेट कर दे रहा हूँ, और जो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है उसको अपडेट कर दे रहे हैं सेकेंड से, और जो सेकेंड वाली है उसको वैल्यू का अपडेट कर दे रहे हैं नेक्स्ट से। यहाँ पे मैंने फॉर लूप यूज़ किया है, ये आपको आना चाहिए कि ये कैसे वर्क करता है। तो ये क्या होगा कि आपको समझने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर नहीं आता आपको तो ये मेरा वीडियो देख सकते हैं आप, तो इसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है ये कैसे वर्क करता है, और अगर आपको आता है तो फिर कोई इश्यू ही नहीं है। तो आप इसको ड्राई रन करके दिखाता हूँ कि कैसे जो अपना फिबोनाची सीरीज है जनरेट होगा इस प्रोग्राम के थ्रू, यानी कि इससे आपको पता चल जाएगा कि एक एक जो टर्म है कैसे वन बाई वन जनरेट हो रहा है। प्रोग्राम अगर हम रन करेंगे कंप्यूटर में तो वो तो पता नहीं चलेगा कैसे हो रहा है, लेकिन अभी जो मैं बताऊंगा आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो वेरिएबल है वो मैं पहले यहाँ पे ले लेता हूँ, फर्स्ट सेकंड नेक्स्ट यहाँ पे एन और यहाँ पे आई। जो इनिशियल वैल्यू है वो फर्स्ट में जीरो है, सेकेंड में वन है, नेक्स्ट में ब्लैंक है, एन में ब्लैंक है, और आई में भी ब्लैंक है।
ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद जो है यूज़र इनपुट करेगा, सपोज़ कि यूज़र ने 5 दिया, यानी कि उसको 5 टर्म प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। मैं यहाँ पे 5 ही ले रहा हूँ बस समझाना है मुझे, नहीं तो अदरवाइज बस टाइम लगेगा, लॉजिक तो सेम रहेगा। जब प्रोग्राम रन करूँगा तो उसमें मैं ज़्यादा इनपुट लेके दिखाऊँगा। अब यहाँ पे जो है ये फॉर लूप स्टार्ट होगा, तो फॉर लूप में इनिशियल जो वैल्यू कितने से स्टार्ट होगी, 1 से। तो यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था तो 1 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे जाएगा ये कंडीशन चेक करेगा कि 1 इज़ लेस देन n, n की वैल्यू जो है कितनी है, 5 है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, यहाँ पे आएगा और प्रिंट कर देगा वैल्यू फर्स्ट की। तो फर्स्ट की जो वैल्यू है कितनी है, 0। तो अगर ये अपना अगर आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि फर्स्ट एंड सेकेंड इन दोनों का वैल्यू कैलकुलेट होके नेक्स्ट में आ रहा है, तो यानी कि 0 एंड 1, 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, और ये अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट में पहले कुछ भी नहीं था, अब क्या आ गया, 1 आ गया। देन जो फर्स्ट में है सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी, तो सेकंड की वैल्यू कितनी है, 1 है, और ये फर्स्ट में पहले अपडेट हो जाएगा 1 से। एंड जो सेकंड है इसमें नेक्स्ट वाली वैल्यू आ जाएगी, तो जो नेक्स्ट हमने कैलकुलेट किया वो 1 था, ये अपडेट हो जाएगा किसमें, सेकंड में, तो सेकंड वाली वैल्यू ये अपडेट हो जाएगी। इसके बाद जो i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1, तो अभी जो वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो ये 2 हो जाएगी, और फिर ये कंडीशन चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू होगा, तो फिर से प्रिंट करेगा फर्स्ट। तो इस बार जो फर्स्ट की वैल्यू है कितनी है, 1 है, 1 प्रिंट हो जाएगी। एंड देन नेक्स्ट कैलकुलेट हो जाएगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट कितना है, 1 है, और सेकेंड 1 है, और ये स्टोर हो जाएगा ऐड करके नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट कितना है, 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऐड हो जाएगा, फर्स्ट में सेकेंड वाली वैल्यू आ जाएगी। तो सेकेंड में जो वैल्यू है 1 है, ये किस में आ जाएगी, फर्स्ट वाले में, और सेकेंड में जो वैल्यू है नेक्स्ट वाली आ जाएगी, नेक्स्ट वाले में वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ये सेकेंड वाली में आ जाएगी। दोबारा से यहाँ पे आएगा आई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी कितनी, बाई 1, तो ये 3 हो जाएगा। 3 यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है। दोबारा से फर्स्ट की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, तो फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 1 है। देन नेक्स्ट कैलकुलेट होगा फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड कितना है, दोनों ऐड करके 3 हो जाएगा, तो ये अपडेट हो जाएगा 3 से। देन फर्स्ट में सेकेंड वाली वैल्यू, सेकेंड की वैल्यू 2 है, ये फर्स्ट में आ जाएगी, और सेकेंड में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, नेक्स्ट में, नेक्स्ट में 3 है, तो ये आ गया। देन यहाँ पे दोबारा से आएगा आई, आई का वैल्यू कितना है, 3 है, 3 होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 4 होने को, तो अभी आप देख रहे हो कि अपना जो नंबर है कैसे फॉर्म हो रहा है, एकदम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप आपको दिख रहा है कि अपना फिबोनाची सीरीज कैसे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट, फर्स्ट की वैल्यू अभी कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा। देन ये नेक्स्ट में फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट में वैल्यू कितना है, 2, एंड सेकेंड में कितना है, 3, तो ये दोनों ऐड होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5। देन ये लाइन एग्जीक्यूट होगी सेकेंड में, सेकेंड वाली जो वैल्यू है फर्स्ट में आ जाएगी, सेकेंड में वैल्यू कितनी है, 3, तो ये आ जाएगी फर्स्ट में, तो ये अपडेट हो जाएगा 3 से। एंड देन सेकेंड की वैल्यू अपडेट हो जाएगी नेक्स्ट से, और नेक्स्ट में वैल्यू कितना है, 3 है, नेक्स्ट में 5 है, तो ये अपडेट हो जाएगा 5 से। देन दोबारा से यहाँ पे कंट्रोल आएगा, आई का वैल्यू इंक्रीमेंट बाई 1 हो जाएगा, तो ये जो है आई हो जाएगा। 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ये भी ट्रू है, ये दोबारा से वैल्यू फर्स्ट का जो है प्रिंट हो जाएगा, फर्स्ट का वैल्यू कितना है, 3 है। देन नेक्स्ट में फर्स्ट प्लस सेकेंड, तो फर्स्ट का वैल्यू कितना है, 3 प्लस 5, ये 8 हो जाएगा, तो नेक्स्ट का जो वैल्यू है ये अपडेट हो जाएगा 8 से। देन फर्स्ट, सेकेंड वाली जो वैल्यू है फर्स्ट में आ जाएगी, सेकेंड की वैल्यू 5 है, तो ये इसमें आ जाएगी, और सेकेंड में वैल्यू कौन सी आ जाएगी, नेक्स्ट वाली वैल्यू कितनी है, 8 है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 1 से, तो ये अभी 5 था, तो ये 6 हो जाएगा। देन यहाँ पे आगे कंडीशन चेक करेगा, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5, तो इस बार क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तो ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी, डायरेक्ट लूप बाहर आ जाएगा और हमें आउटपुट मिल जाएगा, ये 5 जो टर्म है मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 5 दिया था तो हमारा 5 टर्म प्रिंट हो गया, लेकिन हमारा नेक्स्ट टर्म ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुका है, जो नेक्स्ट है अपना 5, 3, 2, ये कैलकुलेट हो चुका था। यहाँ पे n का अगर वैल्यू ज़्यादा होता तो हमारा नेक्स्ट ये प्रिंट होता रहता। तो अब मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें प्रोग्राम को कंप्यूटर पर रन करता हूँ और उसका आउटपुट दिखाता हूँ। मैं कोड ब्लॉक ओपन कर रहा हूँ, एक नया फाइल मैं लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन से, और इसको सेव कर लेता हूँ फिबोनाची नेम से, हैश इंक्लूड stdio.h एंड सेकेंड इज इक्वल टू नेक्स्ट। मैं इसको कंट्रोल एस से सेव कर लेता हूँ और इसको बिल्ड एंड रन करता हूँ। ओके, तो एरर आ रहा है, और यहाँ पे एरर ये है कि फर्स्ट अनडिक्लेयर्ड। ओके, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया था।
ओके, इसको दोबारा से सेव किया और रन करता हूँ, तो ये प्रोग्राम रन कर रहा है। अब मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ 5। ओके, तो देख सकते हो 0 1 1 2 3, यानी कि 5 टर्म प्रिंट हो गया। दोबारा से रन करता हूँ और इस बार इसको देता हूँ 20। ओके, तो देख सकते हो 20 टर्म इसका प्रिंट हो गया। इसको वेरीफाई करते हैं एक बार गूगल से, फिबोनाची सीरीज नंबर। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो टर्म है 01। ओके, इस विंडो को भी मैं ओपन करता हूँ साथ ही में, यानी कि 34 55 89 144 233 2584 देन 4181। ओके, यहाँ तक यानी कि 20 टर्म्स अपना सही प्रिंट हो गया। तो इससे पता चलता है कि अपना जो प्रोग्राम है इसका आउटपुट सही दे रहा है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, पूरा हर एक लाइन क्लियर है आपको। और अब मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको लॉजिक ऑलरेडी पता है और जो इम्प्लीमेंट करने हैं वो आपने यहाँ पे मैंने बता दिया, आप खुद से भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो।